नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राम मंदिर के चंदे के लिए निकली रैली पर पथराव के बाद बेगम बाग में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अभी भी वहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। बता दें कि रैली पर पत्थरबाजी करने पर प्रशासन ने यहां पत्थरबाजों पर 24 घंटे के अंदर सबक सिखाते हुए उन पर एक्शन लिया और ना सिर्फ उपद्रवियों के खिलाफ रसूखा लगाकर उन्हें जेल में बंद किया बल्कि उस इलाके में उनके बने अवैध मकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। इन्हीं अवैध मकानों की छतों पर चढ़कर महिलाओं और बच्चों ने पथराव किए थे और उद्रवियों ने रैली में शामिल होकर लोगों को मारपीट की थी। इस कार्रवाई के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने उन उद्रवियों और तमाम अपराधियों को यह कड़ा संदेश दिया है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के साथ यही हाल होगा और अब सूबे में किसी की गुंडागर्दी या फिर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिससे अब इन आरोपियों और उपद्रवियों की पतलून एक बार फिर से गीली होने वाली है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने निकले उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हुए पथराव के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा है कि जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे और वहीं से पत्थर निकाले भी गए हैं। गृह मंत्री के इस बयान से उज्जैन उपद्रव मामले में सरकार का रुख साफ हो गया है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उज्जैन मामले में भी कांग्रेस यही कर रही है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे होंगे, उसमें काई की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में विजुअल और फुटेज मौजूद हैं, उस मामले में किस बात की जांच कर जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना को लेकर 6 विधायकों का दल गठित किया है। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कमलनाथ के इस गुट में विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह, विशाल पटेल, हनी बघेल, जुमा सोलंकी और रवि जोशी शामिल हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा धर्म स्वातंत्र विधेयक, आजन्म कारावास की सजा मिलावट पर कसावट पर बजट जो अनुपूरक आएगा उस पर, ऐसे अनेक अध्यादेश आज जो विधेयक के रूप में सत्र में आने वाले थे उन पर लाया जा रहा है। हम उसकी तत्काल जांच करा रहे हैं। इस तरह के बहुत से मामले आ रहे हैं, अभी मेरे को 2 मिनट पहले ही ये फिर देखे गए हैं। श्रीमती नूर जहां अली, नगर निगम कॉलोनी अशोक बिहार भोपाल, इसी से जुड़ा है। कोलार वाले मामले में भी हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे होंगे, उसमें काई की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले हैं। एक्चुअल में क्या है कि बालपन गया नहीं है ऊपर से नीचे तक। गंगा जब गंगोत्री पर ही अगर कोई अपवित्र खोलेगी तो फिर प्रयागराज, इलाहाबाद और कानपुर में पवित्रता की गुंजाइश कहाँ से रहेगी। कांग्रेस की स्थिति कमोबेश यही है, ऊपर से ही खिलौने वाला सिस्टम है तो नीचे आए गई। कांग्रेस द्वारा जो जितने भी षड्यंत्र ये प्रायोजित किए गए थे उनकी क्लीन चिट इस बात का द्योतक और परिचायक है कि सारे के सारे झूठे प्रोपेगंडे उन्होंने खड़े किए थे और एक के बाद एक इसीलिए सब धराशायी होते जा रहे हैं। सर, कांग्रेस जनता बढ़ते दामों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन तो करेगी और साथ में राजधानी में पेट्रोल और डीजल के दाम पर कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन कर रही है मैं यही नहीं समझ पाया।
वो कांग्रेस जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए थे, वो कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन करेगी? पहले अगर आंदोलन करने जनता के सामने आए तो पहले ये बताएं क्या उनने घोषणा पत्र में दाम कम करने का कहा था, और कहा था तो फिर बढ़ाए थे क्या? बस ये दो सवाल के जवाब दें, खूब आए। ये कांग्रेस में अंतर्कल है, कोई नई बात नहीं है। अब दरअसल क्या है कि मैं तो इसका पक्षधर हूं, मेरे मित्र हैं गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। अब कई हर्डल हैं उनके मार्ग में, उनकी उपेक्षा करते हैं। सबसे सीनियर विधायक हैं वो इस सदन के, सदन के अंदर तो कमलनाथ जी से भी सीनियर हैं। सबसे खराब विभाग उन्हीं को दे दिए, ये अच्छा थोड़ी था। अब वो सबसे सीनियर विधायक हैं, उनको कह दी के बनने वाले और नेता प्रतिपक्ष आ जाओ, और वो आए तो वापस कर दिया, ये अच्छा नहीं है। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं वो, स्वाभाविक रूप से वो टीच तो है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बने हमारे साथ में। माई करे जल्दी हो जाए। बनाया तो नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी ने ही था, अध्यक्ष भी बनाया, ये भी बनाया, आप प्रायश्चित करेंगी वो बना दिया है तो। कितना गलत निर्णय हुआ सोनिया जी से आप महसूस कर रही होंगी। निश्चित रूप से अंत्योदय समितियां, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सभी जगह पर जो आम जन के बीच से रहेंगी, जिससे वो जो नीचे के ग्रॉस रूट पर काम एक साथ तेजी से शुरू किए गए हैं, आने वाले 5 साल का जो मास्टर प्लान नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों का बनेगा, ग्राम पंचायतों का बनेगा, उनके विकासों को ध्यान में रखकर बनाने का शासन विचार कर रहा है। ये अभी सुझाव आया है जिस पर विचार चल रहा है, गंभीरता से विचार हो रहा है। देखो कांग्रेस के विधायक मंत्री सभी पे, जब वो थे तब मंत्री खड़े करते रहे थे उन पर, अब विधायक हैं तो विधायक कर रहे हैं खड़े। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मामला परिवारवाद के हिसाब से चलता है, वंशानुगत चलता है, तो इसलिए ऊपर से ही कोई निर्णय होगा, ये बेचारे सवाल खड़े करते रहे, उससे क्या होगा।